नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ आर एम एस वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कंपेयर टू एवरेज वैल्यू इन एसी सर्किट। किसी भी एसी सर्किट में जो आर एम एस वैल्यू होता है और जो एवरेज वैल्यू होता है, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। देखो पहले देखो, ऑप्शन वन है आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों इक्वल मीन्स बराबर होते हैं, या फिर आर एम एस वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होता है, या फिर आर एम एस वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा किसी भी एसी सर्किट में आर एम एस वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से ज़्यादा ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर टू, आर एम एस वैल्यू ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो ठीक से देखो, एक होता है आर एम एस वैल्यू, दूसरा होता है एवरेज वैल्यू। जो आर एम एस वैल्यू होता है वो मैक्सिमम, ये वाला फिगर देखो, ये है आर एम एस वैल्यू और ये है एवरेज वैल्यू। जो आर एम एस वैल्यू है वो देखो, ये जो आर एम एस वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू के साथ 0.707 मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद आर एम एस वैल्यू हुआ है। और जो एवरेज वैल्यू होता है वो भी देखो, जो एवरेज वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू के साथ 0.637 मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये होता है अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के साथ 0.637 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू के साथ 0.707 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर एम एस वैल्यू मिलता है। तो इसीलिए जो 0.707 होता है वो 0.637 से ज़्यादा होता है, इसीलिए आर एम एस वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज वैल्यू से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर मोस्ट सुइटेबल फॉर इलेक्ट्रिक फायर। देखो जो इलेक्ट्रिक फायर होता है उसके लिए हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे, ड्राई पाउडर टाइप का, या फिर वेट केमिकल टाइप का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, या फिर वाटर टाइप का। तो इसका आंसर होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ना, इसको इलेक्ट्रिकल के लिए और क्लास बी टाइप। क्लास बी में क्या क्या आता है ना, जो हमारा फ्लेमेबल जो लिक्विड होता है जैसे कि किरोसिनी या फिर पेट्रोल डीजल, इसके लिए इसका इससे जो आग बनता है उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द टोटल वोल्टेज व्हेन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो अगर एक से ज़्यादा एक जैसे सेल मीन्स बैटरी, एक जैसे सेल अगर हम इसको क्या करेंगे ना, सीरीज में कनेक्शन करेंगे, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। उसका जितना सारा सेल को हम कनेक्ट किए थे उनका वोल्टेज जितना था उतना ही रहेगा, या फिर इंक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज होगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। देखो इसका आंसर होगा जब हम एक से ज़्यादा एक जैसे बैटरी को या फिर सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है। ये वाला फिगर देखो, ये है सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन और ये हमारा पैरेलल कनेक्शन। जो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है ना, वोल्टेज इंक्रीज होता है, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है, तो इसमें वोल्टेज क्या होगा ना, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ठीक से देखो, ये जो कनेक्शन है ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। देखो उसका ये सिंबल वाला, देखो ये वाला पैरेलल कनेक्शन और ये है सीरीज कनेक्शन। जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक से याद रखिएगा, जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं इसमें क्या होता है ना, वोल्टेज इंक्रीज होता है और करंट कांस्टेंट रहता है, ये आपको याद रखना होगा। और जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और हमारा जो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और जो हमारा करंट होता है वो हमारा डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट में, ये आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, सीरीज में एक से ज़्यादा सेल जब करंट होता है तो वो वोल्टेज क्या होता है ना, इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेल्टा कनेक्शन इन ए ट्रांसफार्मर। देखो कनेक्शन नॉर्मली टू टाइप का होता है, एक होता है डेल्टा कनेक्शन, दूसरा होता है स्टार कनेक्शन। जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, मेस कनेक्शन, या फिर लूप कनेक्शन, या फिर टी कनेक्ट कनेक्शन, या फिर जिगजैग कनेक्शन। तो इसका आंसर होगा जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है इसको हम मेस कनेक्शन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका
टेंशन। देखो ये जो होता है ये डेल्टा कनेक्टेड होता है और ये स्टार कनेक्शन होता है, और ये जो डेल्टा होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, मेस। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वायर कलर इज टाइपिकली यूज फॉर द लाइव और फेज वायर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ ए सीलिंग फैन इन इंडिया। देखो इंडिया में जब हम एक सीलिंग फैन को इंस्टॉलेशन करते हैं तब तो उसका जब लाइव वायर या फिर फेज वायर होता है उस वायर का कलर क्या रहता है, व्हाइट कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है या फिर ब्लैक कलर का या फिर ग्रीन कलर का। तो इसका आंसर होगा इंडिया में जब हम किसी सीलिंग फैन को इंस्टॉल करते हैं तब तो जो फेज वायर होता है वो हमारा रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये मान लो कि हम फैन का वाइंडिंग है, इसमें हम सब जानते हैं जब फैन का वाइंडिंग होता है वो दो वाइंडिंग रहता है, एक हमारा रनिंग वाइंडिंग रहता है और एक स्टार्टर वाइंडिंग होता है। ये वाला फिगर ठीक से देखो, अंदर में जो वाइंडिंग है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, बाहर में जो है वो रनिंग वाइंडिंग है। तो जब हम एक फेज और एक न्यूट्रल जब कनेक्शन देते हैं, देखो ये न्यूट्रल वाला है और ये लाइव मीन्स फेज वाला है। ये जब फेज होता है ये हमेशा रेड कलर का होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर टू होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। देखो जब डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका मेन कारण क्या होता है, क्यों आउट जो हमारा वोल्टेज आउटपुट होता है वो इंक्रीज होता है इसीलिए हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है, या फिर कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट होता है इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्शन होता है इसीलिए होता है, या फिर स्पीड कम होता है इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा जब डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका मेन कारण ये रहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमारा आर्मेचर में वो डिस्टर्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो पहले ये वाला फिगर देखो, इसमें बीच में जो ये हमारा आर्मेचर होता है, साइड में दो फील्ड होता है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब इस रोटर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है तब तो देखो आसानी से देखो ये नॉर्थ, हम सब जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाता है। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में देखो ये जो रेड वाला एरो मार्क है मीन्स इस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है। इसमें क्या होता है ना, ये जो आर्मेचर है इसमें कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, तो आसानी से क्या होता है ना, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलकर साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। देखो ठीक से देखो, लेकिन जब ये जो आर्मेचर है इसमें भी जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकलना शुरू हो जाएगा, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तब क्या होता है, देखो ये नीचे वाला जो फिगर है इसमें देखो ये आर्मेचर है, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होना प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। तो उसके इफेक्ट से क्या होता है, देखो ये जो हमारा नॉर्थ पोल से जो फ्लक्स निकल रहा था यहाँ पर स्ट्रेट जा रहा था, देखो ऊपर वाला जो फिगर है इसमें स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन नीचे जो फिगर है उसमें ये थोड़ा देखो कर्व जैसा बन गया है। ये क्यों हुआ है ना, ये आर्मेचर रिएक्शन के वजह से हुआ है, क्योंकि जो आर्मेचर में भी जो फ्लक्स बनता है वो मेन फ्लक्स के साथ मीन्स नॉर्थ पोल से जो फ्लक्स निकलता है उसके साथ रिएक्शन करके उसका डायरेक्शन में ऐसे ही चेंज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा आर्मेचर में वो डिस्टॉर्शन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायक। देखो जो डायक होता है उसका ये चार में से कौन सा उसका कंस्ट्रक्शन के लिए करेक्ट है, जो डायक होता है उसका स्ट्रक्चर चार लेयर का होता है, या फिर जो डायक होता है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है और वेरी नहीं करता है, या फिर जो डायक होता है उसमें तीन सेमीकंडक्टर लेयर रहता है, या फिर जो डायक होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो इसका आंसर होगा जो डायक होता है वो हमारा एक चार लेयर का स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो जो डायक होता है उसमें क्या होता है ना, दो डायोड को मिलकर एक डायक बनता है। देखो ये एक डायोड है और ये एक डायोड है, दोनों डायोड पैरेलल में कनेक्शन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ठीक से देखो, ये जो डायोड है ये इस डायरेक्शन में है और ये जो डायोड है ये इस डायरेक्शन में है, मीन्स एंटी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसको क्या कहते हैं, डायक कहते हैं। और इसमें चार लेयर रहते हैं, देखो वो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट सुइटेबल फॉर मेजरिंग दी आउटपुट वोल्टेज ऑफ UPS। जो घर में हम UPS यूज करते हैं उसका आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए चार में से हम किसको यूज करेंगे, ऑसिलोस्कोप को यूज करेंगे, या फिर फंक्शन जनरेटर को यूज करेंगे, या फिर मल्टीमीटर को, या फिर नॉन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा जब हम
किसी यूपीएस की आउटपुट वोल्टेज का मेजर करते हैं तो हम ऑसिलोस्कोप का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये जो यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज ऑसिलोस्कोप से मेजरिंग किया जा रहा है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्डर मेक्स इट सुइटेबल फॉर जॉइनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। देखो हम जहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज होता है उसमें जॉइंट के लिए हम क्या करते हैं ना, सोल्डरिंग का यूज करते हैं, और जो सोल्डरिंग में हम सोल्डर का यूज करते हैं। देखो ये वाला फिगर देखो, इस फिगर में ये जो होता है, ये जो वायर आया है, ये सोल्डर का वायर होता है, इसी को ही हम इलेक्ट्रॉनिक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसी में जॉइंट के लिए हम इस सोल्डर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें लो मेल्ट, ये जो सोल्डर होता है ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, या फिर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, या फिर लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, या फिर नॉन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो सोल्डर की यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम सोल्डर का ही जॉइंट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक्स रिप्रेजेंट, जो लॉक्स होता है ये चार ऑप्शन में से किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइट का इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया को, या फिर लाइट का एफिशिएंसी पर यूनिट एरिया को, या फिर लाइट का टेम्परेचर को, या फिर लाइट का क्वालिटी को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लॉक्स होता है ये हमारा लाइट का इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया में, इसको क्या कहते हैं लॉक्स। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, ये लॉक्स, ये देखो यहाँ से कितना लाइट किसी यूनिट एरिया में जितना लाइट आता है उसको क्या कहते हैं, लॉक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।